मध्य प्रदेश में 18 साल के शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी वर्ग को हुआ है तो वह मध्य प्रदेश के नौजवान है। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। अगर गैर पंजीकृत आंकड़ों को भी इसमें शामिल करें तो बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाती है। इस बेरोजगारी का मुख्य कारण शिवराज सरकार द्वारा किए गए भर्ती घोटाले, पेपर लीक, परीक्षाओं के रिजल्ट जारी न करना, जानबूझकर त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जारी करना आदि शामिल है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 18 सालों से चली आ रही अंधियारी काली रात अब ढलने वाली है और 1 महीने बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बन रही है। नौकरी जो शिवराज जाने वाले हैं और रोजगार देने वाले कमलनाथ जी आने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। जैन ने कहा कि शिवराज सरकार ने भर्ती घोटालों के मामले में मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित किया है। व्यापम घोटाला, डीमेट घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, पैसा कोऑर्डिनेटर भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला आदि इसकी जीवंत मिसाल है। 18 बार से ज्यादा जो जनता के बीच में जाके ये कहते रहे कि हम हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम हर घर में रोजगार देंगे, हमें नौजवानों को मुख्य धारा में लाना है, लेकिन बदले में क्या मिला? सारी दुनिया ने देखा कि इस माटी ने, जिस माटी ने पूरी दुनिया के अंदर एक समय में युवाओं का नाम गौरवान्वित किया, व्यापम घोटाला हुआ, 50 से ज्यादा लोग काल कलवित हुए। हमारे मीडिया के सहकर्मी भी, एक सहकर्मी की भी जान उस पर गई। नर्सिंग घोटाला हुआ, डीमेट घोटाला हुआ, पैरा घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, इतने घोटाले हुए और उन घोटालों में पूरे युवाओं का भविष्य चक्रव्यूह की तरह उलझ के रह गया। पहले नियुक्तियां नहीं निकली, विज्ञापन निकले, फार्म भरे, फिर एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम हुए तो वो एग्जाम बेईमानी से हुए और फिर वो रिजल्ट का निरस्त्रीकरण हुआ और फिर उसके बाद युवा जहां का तहां। आज रोजगार की स्थिति ये है कि सरकारी रोजगार दफ्तर के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोग पंजीकृत है। हम लोग जानते हैं हमारा देश गांव में बसने वाला देश है। मध्य प्रदेश की 26,000 ग्राम पंचायत के 50,000 गांव में हमारा युवा रहता है, हर व्यक्ति इनरोल्ड नहीं हो पाता। मैं समझता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और ये किसके कारण खा रहे हैं? ये सरकार निर्लज्ज है, निकम्मी है, ये सरकार एड़ी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबी है। मैं झांसी, हमारी झांसी के आसपास 20 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की हैं और मैं देखता हूं किस तरह मध्य प्रदेश के लोग, चाहे वो दतिया के हों, चाहे निवाड़ी के हों, चाहे करेरा के हों, चाहे टीकमगढ़ के हों, झांसी में दुकानों पर काम तलाशते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो किसी ने PhD की, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किसी ने MBA किया और इतना बुरा लगता है कि वो लोग, जिन लोगों पर मध्य प्रदेश का भविष्य टिका है, अगर एक नौकरी निकलती है, पटवारियों की नौकरी निकली 6,000 पदों के लिए, 4 लाख लोगों ने आवेदन भरे जिसके अंदर लाखों लोग ग्रेजुएट थे, 80,000 से ज्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट और MBA थे, 1,000 से ज्यादा लोग वो थे जिन्होंने सालों तक रिसर्च का काम किया, PhD की, और क्या हुआ अंततोगत्वा उसमें? वो नियुक्तियां भी खत्म हो गई, कोई नियुक्ति नहीं। आज फोर्थ क्लास के नौकरी के लिए 1299 पद की जब आवेदन मांगे गए सरकार के अंदर, तो हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट पास, इतने सारे नौजवानों ने अपनी नियुक्तियां भरी लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला।